उस्ताद साहब रोज़ाना बच्चों को समझाते थे कि पुत्र दीन बड़ा कीमती है, इलम बड़ा कीमती है, लिहाजा इसकी कदर करो। बच्चे रोज़ाना उस्ताद साहब का ये लेक्चर सुनते कि उस्ताद साहब रोज़ाना लेक्चर में, रोज़ाना दरस में ये बात समझाते हैं कि पुत्र दीन बड़ा कीमती है, इलम बड़ा कीमती है, लिहाजा इसकी कदर करो। एक बच्चा ना रोज़ाना उस्ताद की ये बात सुनता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जूता फट गया तो वो मोची के पास गया, लिहाजा उसके जहन में ये बात बैठ चुकी थी कि उस्ताद साहब फरमाते हैं दीन बड़ा कीमती है, इलम बड़ा कीमती है। उसका जूता फट गया तो वो मोची के पास गया, उस मोची से जाके कहने लगा, साहिब मेरा ये जूता फट गया है, तू मेरा ये जूता सिलाई कर दे, मेरे पास पैसे तो नहीं लेकिन अल्लाह का शुक्र है दीन की सूझबूझ है, दीन का इलम है, तू मुझे ये जूता सिलाई कर दे, इसके बदले में पैसे तो मेरे पास नहीं, मैं तुझे दीन का एक मसला सिखा दूंगा, दीन की एक बात समझा दूंगा। तो मोची आगे से कहने लगा, मियाँ दीन का मसला रख तू अपने पास, दीन की बात रख तू अपने पास, अपना इलम रख तू अपने पास, मुझे तू पैसे देगा जूता सिलाई कर दूंगा, अदरवाइज ये तेरा जूता पड़ा मैं कोई नहीं तुझे सिलाई करके दूंगा। अब उसने बड़ा समझाने की कोशिश की कि दीन बड़ा कीमती है, दीन की बात तुझे सिखा देता हूँ, तू मुझे जूता सिलाई कर दे। वो कहने लगा, तू अपना इलम अपने पास रख, तू मुझे पैसे देगा तो जूता सिलाई कर दूंगा, अदरवाइज़ तुझे जूता सिलाई करके नहीं दूंगा। अब बच्चा बेड़ा हैरान हुआ, हैरानगी के आलम में दोबारा उस्ताद के पास आया, आके ना अर्ज़ करने लगा, हजूर आप तो कहते थे कि दीन बड़ा कीमती है, आप फरमाते थे कि दीन बड़ा कीमती है, इलम बड़ा कीमती है, लेकिन आज मेरे साथ ये वाकया पेश आया, मोची तो माना ही नहीं। मैंने उससे कहा कि मुझे तू जूता सिलाई कर दे, मैं तुझे दीन की एक बात सिखा दूंगा, वो तो इस बात पे माना ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि दीन कोई कीमती नहीं, इलम की कोई कदर नहीं। अब उस्ताद साहेब बच्चे को ये मसला समझाने लगे कि पुत्र दीन की वाकई बड़ी कदर है, इलम की वाकई ही बड़ी कदर है। उस्तादों ने क्या किया कि अपनी जेब से एक मोती निकाला और मोती निकाल के उसी तालिब इलम को दिया और फरमाने लगे, ये तू सब्ज़ी फरोश के पास ले जा, उस बंदे के पास ले जा जो सब्ज़ी बेचता है, उसे जाके कहना कि तू मुझे इस मोती की कीमत बता, इस मोती की कीमत क्या है। वो बच्चा सब्ज़ी फरोश के पास चला गया, उस सब्ज़ी बेचने वाले से जाके कहने लगा कि चाचा जान मुझे इस मोती की कीमत बताना। तो वो मोती देख के कहने लगा सब्ज़ी बेचने वाला कि पुत्र दो तीन लीमू ले ले, यही इसकी कीमत है, और मोती मुझे दे दे, चल मेरे बच्चे खेलेंगे, इसकी कीमत यही है कि तू मुझसे ना दो तीन लीमू ले जा। तालिब इल्म कहने लगा, चाचू जान मैंने बेचना नहीं था, फ़कत कीमत मालूम करनी थी, अब ये मोती मुझे दे दे, मेहरबानी फरमाएँ। वो मोती ले कर उस्तादों के पास आया तालिब इल्म और आके कहने लगा, उस्ताद जी वो सब्ज़ी बेचने वाला कहता है इसकी कीमत दो तीन लीमू हैं, वो लीमू मुझसे ले जा और ये मोती मुझे दे जा। तो उस्ताद साहब फरमाने लगे, अब तू यही मोती लेके फलां सुनार के पास जा। सुनार के पास गया, सुनार को मोती दिखाया, सुनार मोती देखते ही हैरान हो गया और कहने लगा, पुत्र तू मुझसे इसकी कीमत पूछ रहा है, अगर मेरी दुकान सारी की सारी तू ले जाए तो फिर भी इस मोती की कीमत अदा नहीं होगी, ये बड़ा कीमती मोती है, इसकी मिसाल कोई नहीं, बड़ा आला मोती है, अगर इसकी कीमत में मैं तुझे अपनी सारी दुकान दे दूं तो इसकी कीमत अदा नहीं हो सकेगी। वो तालिब इल्म कहने लगा, चाचू जान बेचना तो मैंने कोई नहीं, फ़कत कीमत मालूम करनी थी। तालिब इल्म दोबारा उस्तादों के पास आया, आके कहने लगा, हज़रत बात समझ में अब भी नहीं आई कि सब्ज़ी बेचने वाला कहता है कि इसकी कीमत दो तीन लीमू है, लेकिन सुनार कहता है कि अगर मैं सारी दुकान भी दे दूं तो इसकी कीमत अदा नहीं होगी, बड़ा आला मोती है, बड़ा कीमती मोती है। उस्ताद साहब अब बच्चे को समझाने लगे और कहने लगे, पुत्र ये मोती है ना, इसकी कदर सुनार ही जानेगा, ये हीरा है, इसकी कदर सुनार ही जानेगा, कोई सब्ज़ी बेचने वाला नहीं जानेगा। और फरमाने लगे, पुत्र इलम है ना तो इसकी कदर भी अहले इलम ही जानेंगे, दीन की कदर भी दीन वाले ही जानेंगे, इलम की कदर भी इलम वाले ही जानेंगे। जाहिल को क्या पता कि इलम की कदर क्या है, मोची को क्या पता कि दीन की कदर क्या है, पुत्र मोची को क्या पता कि इलम की कदर क्या है। इलम की कदर पूछनी है तो किसी इलम वाले से पूछ, इलम की कदर पूछनी है तो साहिबे इलम से पूछ, दीन की कदर पूछनी है तो दीन वाले से पूछ, मोची से जाके दीन की कदर ना पूछ।